हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल लेडीज ओन लर्निंग सॉल्यूशंस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लास जो 12 का चैप्टर 12 है आपका अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बहुत मक्खन तरीके से पढ़ाऊँगा इसको, अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है। तो स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा और बहुत ही ईजी है, मतलब रिएक्शन आप है ना, मतलब क्या है, एक बार देखोगे अच्छे से समझ लोगे, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। दो मेथड है मतलब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, मैं आपको आगे चल के सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो अगर एंड तक देख लोगे तो 100% आप रिएक्शन को नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है, और अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, ओके। चलो, सो आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया है उसको पहले कवर करते, एक बार इसको देख लो, इसको सुन लो अच्छे से, और उसके आगे मैं आपको आपके ही टेक्स्ट बुक के जो वहाँ पर जो एग्जाम्पल के साथ बताया है उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिफर्स टू द अल्डोल कंडेंसेशन दैट टेक्स प्लेस इन बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो देखो भाई, इससे सिंपली समझ में आता है, या तो ये जो है दो अलग अलग अल्डिहाइड्स के साथ, ये दो अलग अलग अल्डिहाइड्स के साथ होगा, या तो फिर दो अलग अलग किसके साथ होगा, कीटोन्स के साथ होगा। मतलब ये नहीं बोला है कि एंड नहीं बोला है, इसमें और बोला है, मतलब या तो दो सेम अल्डिहाइड होना चाहिए, सेम मतलब अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, या तो कीटोन ग्रुप होना चाहिए, चाहे कंपाउंड कोई भी हो, ठीक है। मतलब तीन कार्बन का कंपाउंड हो, दो कार्बन का कंपाउंड हो, उससे कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या तो वो दो अल्डिहाइड के होने चाहिए, या तो वो दो कीटोन के होने चाहिए, है ना। सिंपल हजम हो गई ये बात, ठीक है। चलो, If both aldehydes or ketones contain two alpha hydrogen atoms each, then a mixture of four products is formed. अभी इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझो, जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मेरा मान लो यहाँ पे CO हो गया, या फिर CHO हो गया आपका, तो ये मैंने बना लिया CHO इस तरीके से। सो इससे लगता जो भी कार्बन है, चाहे वो कीटोन के साथ हो या फिर चाहे वो आपका अल्डिहाइड के साथ हो, उसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि आपके चार अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। सो वही लिखा है यहाँ पे, देन अ मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ इथेनल एंड प्रोपेनल, इसको दिमाग में फिट कर लो, इथेनल और प्रोपेनल, ठीक है। ये दो कंपाउंड का एग्जाम्पल आप जो है एग्जाम में भी लिख सकते हो, और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट अल्कली फॉलोड बाय हीटिंग गिविंग अ मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट्स। चलो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये रिएक्शन किस तरीके से काम करता है। मैंने क्या बताया आपको, इथेनल और प्रोपेनल, फर्स्ट रिएक्टेंट आपको समझ में आ गया, प्रोडक्ट भी आपको किस तरीके से आता है, किसके प्रेजेंस में होता है, हीट करना पड़ता है, सारा कुछ हमने थियरी में देखा आप, ठीक है। इथेनल माने क्या हुआ आपका, CH3CHO, अल बोला है मतलब CHO हुआ, ठीक है, ऑल बोला रहता तो OH लग जाता, पता है ना, ये तो बेसिक डिफरेंस है, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो इथेनल माने दो कार्बन कंपाउंड हो गया उसमें, प्रोपेनल माने तीन हो गया, तो सेटिस्फाई हो रहा है ये, यहाँ पे इथेनल कंपाउंड हुआ, ये प्रोपेनल कंपाउंड हुआ, यहाँ पे CH3CH2CHO, ये क्या हुआ आपका CH3CHO, ठीक है, ओके फाइन। नाउ क्या बोला है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए, किसके साथ रिएक्शन होना चाहिए, अल्कली डाइल्यूट NaOH के साथ करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये देखो, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अभी ये जो सब है, सेल्फ कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस कंडेंसेशन क्या होता है, ये लॉजिकली आप समझ सकते हो, लेकिन कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में हम हीट कर रहे हैं, या फिर हम क्या एक्स्ट्रा कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, एक्सटर्नल रिएजेंट क्या ऐड कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत कभी कभी क्या होता है ना, आपको बोर्ड के बेसिस पर ये पूछा जा सकता है, बट कॉम्पिटिटिव के बेसिस में आपको हमेशा लॉजिकल सवाल ही पूछा जाता है। मतलब मोस्टली ऐसा कभी क्वेश्चन फ्रेम होता ही नहीं कि जिसमें रट्टाबाजी वाला मतलब कोई कॉन्सेप्ट हो, समझ रहे हो ना आप। तो अभी सेल्फ कंडेंसेशन आपको समझना है और क्रॉस कंडेंसेशन आपको समझना है ना।
पहले मैं आपको सेल्फ कंडेंसेशन समझा देता हूँ। सेल्फ कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो एक कंपाउंड है ये खुद आपस में ही कंडेंस हो जाता है। इसमें कितना है, दो कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, मैं इसमें दो मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूँ, तो 2 2 4, ठीक है, ध्यान देना इसको। यहाँ पे कितने कार्बन आइटम है, सिर्फ इस ग्रुप को ध्यान देना, मैं इसको ज़रा सा हाईलाइट करके आपको बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे प्लस है, प्लस से पहले मैंने इतना कर लिया, ठीक है। ये इसमें दो है कार्बन, इसमें तीन है, तो तीन का डबल कितना हो गया, छः, तो ये राइट वाले में कितना होगा, छः कार्बन होगा यहाँ पे टोटल, और इसमें चार होगा। ये आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझा दिया। अभी ये कंडेंस कैसे होता है वो देखो, ग्रुप को देखना है। यहाँ पे CHO है, तो इसमें से जो है यहाँ पे आपका H2O बाहर कैसे निकलेगा वो आपको समझना है। तो ये जो कंपाउंड है CH3CHO, ये देखो, ये CH3CH यहाँ पे है, फर्स्ट टू कार्बन आप देखो, यहाँ से O निकल गया, ये जो O था यहाँ पे, मैं एक नॉर्मल आपको बता रहा हूँ करके, यहाँ से O निकल गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, CH3CHO, तो ये CH3 का यहाँ पे दो हाइड्रोजन आइटम निकल गया, यहाँ से H2 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये H2 यहाँ से निकल गया, डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। क्रोटोनल डिहाइड भी बोलते हैं, ब्यूटोइनल भी बोलते हैं, ये मैं आपको एक और बार इरेज करके अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, ओके, ऑल राइट। सो कैंसिल करेंगे और इसको ज़रा सा डिलीट किया एंड ओके, चल। तो देखो अभी यहाँ पे जैसे कि बताया आपको, यहाँ से क्या मिसिंग है, यहाँ से O निकल गया, यहाँ से 2H निकल गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया कैसे बना, ये वाला आपको समझ में आ गया ना कैसे बना, ये वाला कंपाउंड इतना। अभी बचा ये पेंडिंग, इसको समझते हैं। अभी इसमें मैंने बताया तीन कार्बन है, तो टोटल 6 होगा इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें किस तरीके से हो रहा है, CH3CH2CHO, तो देखो CH3CH2CH यहाँ से O निकल गया, इसलिए डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया, जो आपके पास अल्फा कार्बन है उसका दो हाइड्रोजन आइटम निकल गया यहाँ से, क्या निकला, उसका दो हाइड्रोजन आइटम निकल गया यहाँ से। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो CH2 था वो C हो गया, ये CHO एज इट इज़, और CH3 ये जो है एज इट इज़। समझ में आई बात, ये भी किस पोजीशन पे चला गया, सेकंड पोजीशन पे, 2, तो इसको क्या नाम देंगे, 2-methylpentoinine। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अभी इस पे फोकस करो, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस कंडेंसेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो है, अगर आप कार्बन आइटम देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये क्या हो रहा है, ये 2+3, मेरा मतलब दो कार्बन यहाँ के, 3 यहाँ पे, मतलब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी इसमें देखना क्या होता है, यहाँ पे क्या कंपाउंड है मेरे पास, CH3CHO, O यहाँ से हटा देते हैं हम लोग, CH3CH आ गया, O हट गया यहाँ से, ठीक है। ये बचा पेंडिंग क्या है मेरे पास, CH3CH2CHO, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको, क्या बताया था मैंने, अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये CHO एज इट इज, यहाँ से 2H निकल गया, तो मैं इसको H2 यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, सिर्फ यहाँ पे O लिख दिया, H2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और ये CH3, यहाँ पे C रहेगा CH3, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो बन गया आपका ये वाला 2-methylbutoinyl, 2-methylbutoinyl कैसे दिया हमने नाम यहाँ पे, यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे CHO है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा, सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, सो 2-methyl लिखेंगे हम लोग। अभी ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, कितने कार्बन का है, 4, तो ब्यूट, अभी यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट टू इनल, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। अभी ये वाला कैसे बना ये देखना, अभी इस केस में क्या हो रहा है, CH3CH2CHO, ये वाला जो कंपाउंड था इसका O निकल गया यहाँ पे, आप देख पा रहे हो O है नहीं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे O था बट यहाँ से O निकल गया, और यहाँ पे अल्फा कार्बन जो था जिसका अल्फा हाइड्रोजन एटम H2 जो था वो निकल गया यहाँ से, समझ में आ रही है बात। अभी यहाँ पे देखो CH3CHO, यानी इसका दो हाइड्रोजन जो है यहाँ से चला गया, समझ में आया बात। तो ये CHO, ये CH, ये CHO आपका ये रहा, और CH3 है ना, ये वाला जो है, इसमें से दो निकल गया एक बचा, तो क्या बन गया ये कंपाउंड मेरे पास, पेंटू इनल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे नंबरिंग, जहाँ पे प्रेफरेंस बड़ा है, यहाँ पे CHO है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे
डबल बॉन्ड है सो इन आएगा यहाँ पे टू इन। अभी कितना कार्बन है इसमें, एक दो तीन चार पाँच, तो पेन टू इन है। समझ में आया, बहुत इजी था, बहुत आसान था। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।